So hello everyone, in today's video we have a very special guest with us, Mr. Vineet sir. जैसे कि आपको पता है कि पूरी जॉब मार्केट में layoffs आ रखे हैं, rise of AI बढ़ता जा रहा है और काफी सारे लोगों को टेंशन है कि क्या अब MCA या फिर BCA या कोई भी अदर डिग्री अगर आप कर रहे हो तो करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। सर आज की वीडियो में बहुत ही इंपॉर्टेंट डिस्कशन होगी कि what will be the future of MCA and the tech industry। और यहाँ पर हमारे पास इनसे अच्छी एडवाइस अभी और कोई नहीं दे सकता क्योंकि इन्होंने खुद MCA की भी है। सर आज की वीडियो लास्ट तक जरूर देखना और अगर आपको कोई चीज समझ ना आए तो कमेंट में बता देना और एक एक पॉइंट ढंग से नोट कर लेना क्योंकि आज की वीडियो में आपको डिटेल इंस्ट्रक्शन मिलेगी कि आगे इंडस्ट्री में क्या चीजें चेंज होने वाली है और क्या चीजें ट्रेंड करने वाली है। तो ज्यादा क्या करते हैं, आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। सो हेलो विनीत सर, कैन यू प्लीज इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, अपने बैकग्राउंड के बारे में, कोडिंग बैकग्राउंड के बारे में और आपका अभी तक कौन कौन सी कंपनीज में काम कर रहा है और एक बार थोड़ा बहुत अपना बैकग्राउंड बता दो। हेलो वसु, सो 20 साल हो गए मेरे को आईटी इंडस्ट्री में काम करते हुए। 2004 में मैं पहला जॉब किया था, मैं ग्रेजुएशन किया था दिल्ली से, फिर उसके बाद 3 साल मैंने जॉब किया और जॉब मैंने नोएडा भी किया, फिर उसके बाद दिल्ली किया। फिर मेरे को समझ में आया कि थोड़ा सा एक मेरे को रेज्यूमे जो रिक्रूटमेंट का क्राइटेरिया होता है उसमें फिट नहीं हो पा रहा था, फिर मैं वापस रुड़की आया जो मेरा नेटिव प्लेस है। फिर यहाँ से मैंने कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग रुड़की है तो उधर से मैंने MCA किया, तो 2010 में मैं पास आउट करके निकला था। फिर उसके बाद थोड़ा सा मेरे को एडवांटेज मिला, मेरे को लगता है शायद ना हो ऐसा, बट MCA की वजह से मेरे को जो भी मैं अप्लाई करता हूं जॉब एटलीस्ट इंटरव्यू कॉल आ जाता है मोस्ट ऑफ द एप्लीकेशंस के लिए। अब MCA के बाद फिर मेरे को सेपियंट से भी काम करने का मौका मिला, माइंडट्री में भी काम किया मैंने बैंगलोर, फिर उसके बाद ITC बैंगलोर काम किया, पुणे में जेंसार काफी लंबा टाइम काम किया मैंने और उसके बाद सिनेक्रॉन मेरा लास्ट कंपनी है तो उसमें काम किया, वहाँ पे एसोसिएट स्पेशलिस्ट था और जो टेक्नोलॉजी वाइज मेरा स्किल सेट रहा वो बहुत ईजी था उस वक्त, तो मैं फ्रंट एंड में चला गया बिकॉज उस टाइम ज्यादा फ्रंट एंड होता नहीं था, आज की तरह इतना ज्यादा डाइवर्सिफाई नहीं था फ्रंट एंड का पोर्टफोलियो उस टाइम, ना आपके पास कोई टूल्स होते थे जो ये आजकल आप इंस्पेक्ट कर लेते हो बहुत इजीली, ये सब तब प्रोवाइड नहीं करते थे ब्राउजर्स, तब आपके पास ये डेवलपर टूल बार नहीं होते थे तो बहुत सारे टूल्स नहीं थे और जरूरत भी नहीं थी क्योंकि सारा काम वहां पर ASP या JSP या फिर PHP करते थे बैकएंड पे और आपको सर्वर साइड रेंडरिंग पेजेस मिल जाते थे। उसके बाद jQuery आया, jQuery के बाद काफी सारे फ्रेमवर्क्स फॉलो हुए जो jQuery को बेस करके बने, फिर नॉकआउट आया, बैकबोन आया और फिर काफी सारे मार्केट ने एक शिफ्ट लिया और जो अभी तक मैं बैठा हुआ बटन की विड्थ लगा दो, टेक्स्ट को छोटा बड़ा कर दो, तो मैंने काफी टाइम यही किया 2004 से 2010 तक। उसके बाद एंगुलर आया तो फिर थोड़ा सा फ्रेमवर्क और लाइब्रेरीज जब ये आई हैं तब से जाके हमारे को थोड़ा सा एक मोमेंटम मिला है फ्रंट एंड का और उसके बाद फिर काफी सारी चीजें नोड JS के आने के बाद पूरी ओपन हो गई है। आज आप नोड JS करो तो आप पूरा बैकएंड में इंफ्रास्ट्रक्चर DevOps कुछ भी कर सकते हो, तो काफी शिफ्ट हो गई है चीजें, ये मेरा एक्सपीरियंस रहा। ओके, सो आई होप यार यहाँ पर आपको पता लगा होगा कि फ्रंट एंड की स्टार्ट कैसे हुई थी और किस तरीके से इन्हें एज मिला MCA करने के बाद। सो माय नेक्स्ट क्वेश्चन टू यू सर इज दैट कि आपके जितना भी टोटल एक्सपीरियंस है तो करंटली आपको मैनेजर होना चाहिए, तो आप डेवलपमेंट की साइड पे क्यों हो और व्हाई हैवंट यू जॉइन फैंग येट, मतलब जितना भी आपने मुझे बताया आपने फैंग या फिर मैंग जैसा लोग कहते हैं उनकी ड्रीम कंपनी होती है गूगल माइक्रोसॉफ्ट वगैरह में जाना, लेकिन आपने अभी तक ऐसा कुछ नहीं करा, क्यों, मतलब इसके पीछे का रीजन कुछ? शायद एक चेंज करने का ही, यहाँ पर बहुत इजी था फ्रंट एंड में, आप 3 महीने 2 महीने एक प्रोजेक्ट पे काम करते थे रोल ऑफ हो जाता था, तो इसलिए मेरे पास शायद बहुत सारी कंपनीज आ गई मेरे प्रोफाइल में, बट मैं इतना ज्यादा स्विच नहीं करना चाहता था, बट होता क्या था 15 दिन एक प्रोजेक्ट पे चले गए, 2 महीने एक प्रोजेक्ट पे, 3 महीने तो बहुत शॉर्ट ड्यूरेशन पे रहे, फिर आप वहाँ पे ना रेपो नहीं बना पाते, आपका फिर एंड में अप्रेजल होता है तो वो फिर क्या ही अप्रेजल होगा जब 5-6 प्रोजेक्ट आपके प्रोफाइल में आ जाएंगे, तो प्रमोशंस में दिक्कत आती थी, आज की तरह इतना नहीं है इजी, उस टाइम पे थोड़ा सा था और मैं फिर थोड़ा सा एक टेक्निकली जुड़े रहना चाहा हमेशा। हाँ, ये थोड़ा सा इंडिया में जब मैं रहा तो थोड़ा सा प्रॉब्लम मेरे को महसूस हुआ कि मेरे को शिफ्ट कर जाना चाहिए था, इंडिया में डेवलपर रोल 5-6 साल या 8 साल के बाद नहीं करना चाहिए, आप अगर प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी हो तो बात अलग है बट सर्विस बेस्ड में आपको प्रोडक्ट प्रोजेक्ट मैनेजर या आर्किटेक्ट प्रोफाइल में चले जाना चाहिए। अब मैं चला जाऊंगा खैर आर्किटेक्ट प्रोफाइल में तो, बट प्रोजेक्ट मैनेजर यहाँ पर बॉस है, वो ही सबसे बेस्ट प्लेस है यहाँ IT इंडस्ट्री में, उसके ऊपर वाले थोड़े रिस्क की जोन में आ जाते हैं बट PM इज फाइन। और फैंग की बात जहां तक रही तो फैंग में मेरे को
उस टाइम पे जब एक बार आप सर्विस में घुस गए ना तो वो टैग हटाना बड़ा मुश्किल हो जाता है। और उस टाइम 2004-5 की बात बताऊं तो ये सब प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी थी ही नहीं इंडिया में, ले दे के गूगल थी, कुछ माइक्रोसॉफ्ट थी। अब आप समझो कि उसमें 100-500 हजार लोग होंगे टोटल, अब उसमें कितनी मारामारी होती होगी वो आप लगा लो, वो भी IIT से ही उठाते थे सब बच्चे। तो रिक्रूटमेंट प्रोसेस उनकी बड़ी नैरो थी, वो उस बॉटलनेक को ब्रेक करना मेरे बस का तो था नहीं उस टाइम पे। तो इस वजह से फिर एक बार आप सर्विस बेस में गए, फिर दूसरा सर्विस बेस, वो करते करते वही आप पे टैग लग गया सर्विस बेस का। और ये आपकी पहली या दूसरी जॉब में ही अगर आप इस टैग को हटा दो तो हटा दो, वरना यू हैव टू कैरी इट ऑलवेज। ओके, तो आई होप यार यहाँ पर आपको प्रोडक्ट बेस, सर्विस बेस और काफी सारी चीजों के बारे में पता लग गया होगा। सो माय नेक्स्ट क्वेश्चन टू यू इज दैट कि उस टाइम पे MCA की प्लेसमेंट्स और आज के टाइम पे MCA की प्लेसमेंट्स में क्या फर्क है, एग्जैक्ट डिफरेंस क्या है, उस टाइम पे क्या इतने पैकेजेस लगते थे। अगर आपने जैसा बताया कि आपने रुड़की से MCA लगी तो वहां पर उस टाइम पे आपने NID के बारे में उतना नाम नहीं था उस टाइम पे, या फिर आप करना नहीं चाहते या किस रीजन की वजह से नहीं कर पाए थे, तो उस टाइम पे भी क्या NIMCET ही सबसे ऊपर एग्जाम हुआ करता था? तब स्टेट वाइज होते थे एग्जाम्स, तो यहाँ उत्तराखंड टेक्निकल यूनिवर्सिटी का एग्जाम था वो मैंने दिया, तो NIT के नंबर आए नहीं थे, तो उसकी वजह से मेरे को प्राइवेट कॉलेज में जाना पड़ा। तो ये तो मेरा प्रिपरेशन का प्रॉब्लम था, और उसके लिए शायद जो BSc करके आ रहे थे उनके लिए ज्यादा था, मैं BCA बैकग्राउंड का था तो मेरे लिए इतना इजी नहीं रहा उस मैथमेटिक्स के लिए, क्योंकि वो ग्रेजुएशन का मैथमेटिक्स आ रहा था उस एंट्रेंस एग्जाम में, वो मेरे पास उसकी कमांड थी नहीं। और पैकेज उस टाइम पे भी वही थे जो आज चल रहे हैं, और वही प्रोसेस होती थी, वही ऑफ कैंपस जाना पड़ता था या ऑन कैंपस भी है तो एक किसी एक कैंपस में कंपनीज आ जाती थी, उधर ही सारे बच्चे जाते थे, और वो 60% आपका थ्रू आउट होना चाहिए तभी आप बैठ सकते हो, एलिजिबल तभी हो आप उस प्रोसेस में पार्टिसिपेट करने के लिए, अदरवाइज वो फिर आपको निग्लेक्ट कर देते थे। तो मेरे को तो ऑफ कैंपस ही जाना पड़ा, और मेरे पास क्योंकि मैं 3 साल जॉब करने के बाद किया था MCA, तो मेरे पास था वो उतना एक्सपीरियंस 3 साल का, तो मेरा कोई पॉइंट था नहीं मैं वहाँ पे फिर एज अ फ्रेशर उस कैंपस प्लेसमेंट की ड्राइव में पार्टिसिपेट करूँ, तो इसलिए मैंने वो इग्नोर कर दिया। और फिर मैं गया तो सेपियंट में चला गया था मैं, इस वजह से मैनेजर रोल पे मैं इसलिए नहीं जा पाया क्योंकि मैं हमेशा छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स, छोटे छोटे रोल्स पे ही काम किया है, 3 महीने ड्यूरेशन है, किसी की 1.5 महीना ड्यूरेशन है, और उस टाइम पे इतना ज्यादा स्कोप भी नहीं था। आज तो है, आज शायद मैं चला भी जाऊं, इतना एक्सपीरियंस हो गया है, बट वो इतना डिले इस वजह से हो गया, अगर मैं शायद बैकएंड में होता तो मैं ज्यादा अपने करियर को पुश दे पाता, बट यहाँ पर मेरे पास उतना स्कोप नहीं था क्योंकि फ्रंट एंड पे 2 वीक्स की अवेलेबिलिटी हो रही है आपकी, 15 दिन की हो रही है, तो वो सब जाके आपकी जब एंड में अप्रेजल के लिए आपका नाम जाता है तो कोई एक कंक्रीट रीजन नहीं होता कि आपको प्रमोशन तभी मिलती है जब आप एक किसी एक प्रोजेक्ट पे लंबे टाइम तक परफॉर्म करते रहो, फिर आपके रिकमेंडेशन किसी एक सीनियर मैनेजर की तरफ से जाती है तब जाके आपको प्रमोशन मिलती है, बट इस केस में तो सब लोग यूज एंड थ्रो की तरह यूज कर रहे थे उस टाइम पे भी। और आज थोड़ा सा टाइम बदला है, आज चीजें जो है बेटर शेप ले रही है। शायद मैनेजर रोल पे मैं इसलिए भी नहीं जा पाया क्योंकि मेरे पास जो स्किल सेट थी वो स्किल सेट मैंने कभी अपडेट करी ही नहीं, टेक्नोलॉजी वाइज नहीं, बट हाँ जैसे मैनेजर में PMP सर्टिफिकेशन करता, कुछ एक्स्ट्रा रेस्पॉन्सिबिलिटी मेरे को असाइन कर दी जाती, तो वो सब मेरे साथ हो नहीं पाया। कुछ मैनेजर्स भी नहीं इतने सपोर्टिव मिले मेरे को, कुछ मिले भी तो उनके साथ इतना लंबा टेन्योर मैं स्पेंड नहीं कर पाया कि वो मेरे को प्रमोट कर पाते या फिर अगले किसी बेटर रोल में वो मेरे को रख पाते। तो यहाँ पे आपको प्रमोशन के लिए वो रोल चाहिए जो आपका प्रोजेक्ट मैनेजर ऑलरेडी फुलफिल कर रहा है, वो आपको अपने साथ एज अ शैडो रख के तभी जाके, या फिर वो एक्स्ट्रा रेस्पॉन्सिबिलिटी दे, तो वो मैनेजर बहुत कम होते हैं और वो टीम में 1 या 2 लोगों के लिए ही कर सकता है ऐसा। अब 20 लोगों में से तो शायद मैं वो 18 वाले लोगों में ही रहा हमेशा। ओके, तो आई होप यार यहां पर आपको समझ आ गई होगी चीजें। सो माय नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि आपको क्या लगता है, जैसे आपने उस टाइम पे MCA की, व्हाट विल बी द फ्यूचर ऑफ MCA, क्योंकि आज की डेट में 3 साल से 2 साल की हो चुकी है MCA, एंड जो बच्चा नॉन CS बैकग्राउंड का वो भी कर रहा है, और काफी एलिजिबिलिटी इश्यूज भी ओपन हो गए हैं, NITs भी कुछ नए ऐड हुए हैं, IIIT भी एक ऐड हुआ है, लेकिन यहाँ पर बात नोट करने वाली है कि जिस तरीके से सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट की जॉब्स में कट हुए हैं चीजें, तो यहाँ पर आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है कि MCA का क्या मतलब आगे फ्यूचर हो सकता है?
एमसीए उन लोगों के लिए ठीक है जिनकी ट्रेन छूट चुकी है, जिन्हें लग रहा था कि वो कंप्यूटर की तरफ जाना चाह रहे हैं बट वो गलती से बीएससी में चले गए हैं या फिर किसी और बैकग्राउंड में चले गए हैं, तो उन लोगों के लिए एक आज भी ऑप्शन है और आई थिंक ये बने रहना चाहिए, क्योंकि एमसीए में आपको या बीटेक में आपको बताया वो एजुकेशन जो है वो हमारे लिए सिर्फ एक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फुलफिल करने का पेपर बन के रह गई है। बच्चे जो आते हैं अगर आप उनको ट्रेनिंग ना दो, ये जितने भी फैंग में बैठे हुए हैं आधों से आप पूछ लेना इनको TCS या Infosys ने ही ट्रेनिंग देके एलिजिबल करा है कि आज ये बैठ के वहां तक के इंटरव्यू क्रैक कर पा रहे हैं। कॉलेज से तो निकलते हैं कुछ पता नहीं होता, कुछ कॉलेज का करिकुलम भी थोड़ा आउटडेटेड रहता है या फिर टीचर्स भी थोड़े से लेजी रहते हैं। एमसीए आज भी उतना ही जरूरी है जितना पहले था। हाँ कुछ कॉलेजेस बंद हो गए हैं क्योंकि उतने बच्चे एनरोल नहीं कर रहे हैं और इसके लिए बच्चों का बीटेक की तरफ ज्यादा रुझान हो गया है। अब एमसीए की तरफ जो भी बच्चे आ रहे हैं वो आ रहे हैं जिनको कंप्यूटर्स में तो जाना था बट उनको ड्यू टू सम फाइनेंशियल रीजंस प्रॉपर गाइडेंस नहीं मिली, बट वो भी चाह रहे हैं कि भाई TCS इन्फोसिस या गूगल टाइप की कंपनी में काम कर लें, तो वहां पे भी आप एमसीए को एक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फुलफिल करने का एक पेपर समझें और वो काफी हेल्पफुल करता है। बाकी आपकी स्टडी बीटेक करके या एमसीए करके वो सब वैसे ही निकलते हैं जिनसे किसी कुछ काम के तो होते नहीं है ये बच्चे, अगर आप इनको ट्रेनिंग नहीं देंगे तो ये नॉन फिट फॉर टेक्निकल है। तो इसको काफी हद तक एमसीए भी वही जॉब दे रहा है जो बीटेक दे रहा है, बट 2 साल और 3 साल का अगर डिफरेंस पूछोगे तो 2 साल का डिफरेंस मेरे को लगता है ठीक है। हमारे टाइम पे भी 3 साल का था, वो तब भी मेरे को अननेसेसरी लग रहा था। थर्ड ईयर वो खींचा गया है वो जबरदस्ती, पहले भी वो 3 साल जितना उसमें मटेरियल था नहीं, मेरे को लगता था इसे कंसोलिडेट करके 2 ईयर्स में रैप कर सकते हैं, जो पहले शायद इग्नू कर रहा था, बाकी सब नहीं कर रहे थे। अगर AICTE अब कर रहा है तो ठीक है, उनके डिसीजन पे तो कोई उंगली नहीं उठा सकता और आई थिंक ये बेटर डिसीजन है। पैसे भी कम लगेंगे और जल्दी से जल्दी मार्केट रेडी और उसको पैसा कमाने के लिए सैलरी के लिए पुश करो या फिर कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूट करे वो इकोनॉमी में, चाहे वो इनकम टैक्स हो चाहे वो GST हो, अगर बिजनेस ओपन करता है तो वो बहुत अच्छा डिसीजन है। इन्हें ज्यादा टाइम यूनिवर्सिटी में बच्चों को बिजी नहीं रखना चाहिए। ये काफी अच्छा मुझे पॉइंट ऑफ व्यू लगा कि जल्दी जल्दी हमें जॉब रेडी हो जाना चाहिए क्योंकि आगे जाके आपका एक्सपीरियंस ही काउंट होगा आपकी अगली कंपनी में आपका पैकेज बढ़ाने के लिए। ओके, सो माय नेक्स्ट क्वेश्चन इज, जो कि सारे लोग सुनना चाहते होंगे, कि सडन राइज ऑफ AI और रिसेशन के ऊपर आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है, क्योंकि जिस तरीके से AI आया है काफी सारी मार्केट में यही है एक तरीके से मिस इन्फॉर्मेशन कि डेवलपर्स की जॉब चली ही जाएगी कम्प्लीटली, जैसा कि डेवन AI आपने देखा है, एंड जिस तरीके से रिसेशन आए हैं उससे लग रहा है कि जॉब मार्केट पूरी तरीके से गिर रही है विद टाइम, एंड आगे जाके सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग जितनी गोल्डन अपॉर्चुनिटी हमें लगती थी बहुत इजीली हम बहुत मैक्सिमम पैकेज उठा सकते हैं उतनी आगे जाके इतना नहीं रहेगा एंड दिस फील्ड विल फ्लंक एट द एंड। तो उसके ऊपर आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है? अभी मैंने AI के कुछ टूल्स तो यूज किए हैं, कोपायलट है, कोडियम है या फिर ChatGPT है, और ये आपको फैसिलिटेट करते हैं कि आप जो भी काम कर रहे हो आप 8 घंटे का काम 2 घंटे में खत्म कर दो, बट ये आपका रिप्लेसमेंट अभी भी नहीं आया। अब डेविन की बात करोगे तो वो डेविन अभी तक मेरे को तो उसका सब्सक्रिप्शन मिला नहीं, उसको मैं टेस्ट नहीं कर पाया, अभी बहुत अर्ली स्टेज में है। वो दिखा रहा है जो उन्होंने वीडियो दिखाया है, अगर वो भी सही है तो भी उसके बावजूद आपको यूजर डेवलपर चाहिए होंगे, वो डेवलपर ही आखिर में काम करेंगे। और ठीक है वो कॉम्प्लेक्सिटी जो आज आपको लग रही है वो तब भी बनी रहेगी बट हाँ रिड्यूस हो जाएगा थोड़ा सा टाइम। तो आपको जो सॉफ्टवेयर 12 महीने में मिलता था शायद वो डेवलपमेंट की वजह से 8 महीने में कंपनियों को हम शिप कर पाएंगे, तो यहाँ पर टाइम तो हम बचा लेंगे बट हाँ नंबर ऑफ डेवलपर्स कम लगेंगे। बट ऐसा नहीं है, चीजें कहीं ना कहीं और शिफ्ट होंगे। मेरे को लग रहा है आने वाले टाइम में अगर ये डेवलपमेंट कॉस्ट कम हो गई है तो जो लोग अभी काफी सारी चीजें री यूज कर रहे हैं या फिर टेम्पलेट पहले से ही बना हुआ है, जैसे वर्डप्रेस की थीम्स लोग री यूज करते रहते हैं, तो वो सब नहीं होगा, लोग अपने कस्टमाइज सॉल्यूशन बना पाएंगे और कम पैसे में बनेंगे, तो मेरे को लग रहा है ज्यादा लोग इन्वॉल्व होंगे इस डेवलपमेंट प्रोसेस में। आने वाले टाइम में फ्रेशर्स के लिए रोल्स आएंगे क्योंकि जो AI की हेल्प से आप स्पीड अप करोगे डेवलपमेंट प्रोसेस, तो मोर एंड मोर कंपनीज जो अभी तक अपना सिस्टम नहीं क्रिएट कर रही थी, बहुत एक्सपेंसिव है, बहुत ज्यादा मैन पावर मैनेज करना पड़ेगा, AI की हेल्प से वो सब रिड्यूस हो जाएगा और मेरे को लगता है कि हर
कंपनी के अंदर एक डेवलपमेंट सेंटर होगा, बजाय इसके कि सब TCS के पास भाग रहे हैं या इंफोसिस के पास भाग रहे हैं, तो वो सारी चीजें कम होंगी और उसकी बजाय हर एक का अपना एक ODC होगा, भले ही वहां चार लोग बैठ के काम कर रहे हों। ये मेरे को लग रहा है आने वाले टाइम में फ्रेशर्स को यहाँ पर छोटी छोटी टीम्स में और छोटी छोटी कंपनीज में ज्यादा काम करने के लिए मौका होगा, और ये जितना भी इम्पैक्ट आने जा रहा है ये बड़ी कंपनीज का जो हेड काउंट है वो रिड्यूस होगा, क्योंकि ये बड़े प्रोजेक्ट्स अब छोटे प्रोजेक्ट्स में जाने वाले हैं। चाहे इन हाउस अपना डेवलपमेंट सेंटर खोले कोई कंपनी, अगर आज कोई बैंक दे रहा है TCS को, शायद वो रखे, बट जो छोटे वाले वेंडर्स हैं वो ब्रेक होंगे। ओके, सो माय नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि कौन सी टेक स्टैक सबसे ज्यादा इफेक्ट होने वाली है आफ्टर द राइज ऑफ AI? जितना मेरे को लगता है फ्रंट एंड सबसे ज्यादा इफेक्ट हो सकती है, क्योंकि फ्रंट एंड की काफी सारी चीजें इजीली बनाई जा सकती है, मुझे ऐसा लगता है टेम्पलेट्स बनाए जा सकते हैं, बाकी सारी चीजें। बैक एंड को अभी पूरी तरीके से रिप्लेस करना काफी ज्यादा डिफिकल्ट है, सो इसके ऊपर आपका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है? मेरे को तो उल्टा लगता है, मेरे को लगता है ये फ्रंट एंड अभी भी चिपका रहेगा और ये 20 साल बाद भी रहेगा। डिजाइन की बात करते हो ना, तो उसके लिए आपको क्रिएटिविटी चाहिए होगी, उसके लिए आपको बिल्कुल उसी के अकॉर्डिंग जो आपकी थीम है उसी के अकॉर्डिंग कोड करना होगा। और जब आप ये काम करते हो ना, आपको फील भी आएगी कि हाँ मैंने यहाँ पे थोड़ा सा एक लाइन या एक पिक्सल मैंने गलत लिया और ये सारे का सारा टेम्पलेट ब्रेक हो गया, जो आपने टेम्पलेट की बात की। बट जो बैक एंड है वो मेरे को लग रहा है वो सबसे ज्यादा जल्दी होगा, क्योंकि ये AI पे काम करने वाले भी बैकएंड के हैं, तो ये सबसे पहले सॉल्व भी प्रॉब्लम अपने बैकएंड की करेंगे ये लोग। और इसमें क्योंकि क्रिएटिव माइंड इन्वॉल्व है, तो क्रिएटिव माइंड को आप ऐसे इजीली रिप्लेस नहीं कर सकते, जो डिजाइनर्स हैं जो टेम्पलेट बना रहे हैं। और इसमें कलर भी चूज करने की बात आती है, तो उसमें भी फिर ह्यूमन इंटरवेंशन चाहिए, फिर उसके बाद थीम्स क्रिएट करते हो आप, काफी सारा इन्वॉल्वमेंट होता है, वो सिर्फ कोड पे नहीं होता, वो क्रिएटिविटी पे होता है। अगर वो क्रिएटिविटी वाला कुछ इंजन आ गया किसी दिन तब आएगा, बट अगर अभी की बात करोगे तो सबसे पहले तो ये कंटेंट राइटर मेरे को लग रहा है जो चैलेंजेस फेस करेंगे, कंटेंट राइटर गए सबसे पहले, हाफ ऑफ द मार्केट इनका, HR लोगों का सबसे ज्यादा ऑटोमेशन में बुरा हाल होने वाला है। अगर आप अभी भी देखोगे व्हाट्सएप का जो इन्वॉल्वमेंट हो रहा है, या आप चैट बॉट से बात करते हो लिंक्डइन पे भी या नौकरी पे भी, तो आपसे वो पूछता है ना कितना साल एक्सपीरियंस है या इस टेक्नोलॉजी में कितना आपने काम किया है, तो वो सारा अगर आप अभी नोटिस किया होगा तो HR भी यही क्वेश्चंस पूछता है जो वो चैटबॉट पूछ रहा है। बट इसके लिए मेरे को लग रहा है कि इनकी जॉब थोड़ी सिंप्लीफाई भी होगी और नंबर ऑफ हेड काउंट्स भी थोड़ा डाउन जाने वाले हैं HR के। ये जो बात कह रहा हूं मैं, ये सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए कह रहा हूं जो अभी कोल्ड कॉलिंग पे हैं, जो रेज्यूमे फिल्टर करते हैं नौकरी से, बाकी लोगों की अलग जॉब है। जो एक AR की बात करें, जो अकाउंट के ऊपर HR बैठता है, उसकी बात नहीं कर रहा हूं, इस सिर्फ जो सिलेक्शन प्रोसेस में रहते हैं, रिक्रूटमेंट ड्राइव्स में रहते हैं, उन HR की बात कर रहा हूं। तो ये दो मेरे को लग रहा है, कंटेंट एंड HR, दे आर गोना सफर। ओके, सो माय नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि आपने MCA की और उसके बाद अभी भी काफी सारे ये स्टूडेंट्स हैं कि BCA के बाद जॉब नहीं लग पाती टॉप कंपनीज में, तो आपकी जर्नी में किस तरीके से MCA करने के बाद आपको एलिजिबिलिटी, क्या इश्यूज आए कभी भी किसी भी कंपनी में अप्लाई करने पे, या किस तरीके से चेंज हुआ? मैं तो सबसे पहले छोटी सी एक नोएडा की कंपनी थी उसमें काम किया था, और ये TCS और इन्फी ये तो बहुत बड़े नाम हुआ करते थे, इनके बैच हमारे लिए मतलब एक मेडल टाइप के होते थे जो वो गले में पट्टा डाल के आ जाते हैं उसके लिए। अब ये एलिजिबिलिटी मेरे को पता नहीं क्यों, बट इन कंपनीज ने आज भी रखा हुआ है शायद कहीं ना कहीं इस एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को, तो अभी भी मेरे पास जितनी भी कॉल आती है सब मेरे MCA के नंबर पूछते हैं कि आपने कब किया, फुल टाइम पार्ट टाइम था, कितने परसेंटेज थे आपके, तो ये सारी चीजें रही हैं इनकी। और इसके लिए आई थिंक अभी भी कहीं ना कहीं ये टैबू है, बट दिस इंडस्ट्री आई थिंक इट डजंट रिक्वायर एनी सर्टिफिकेशन, यहाँ पर सिर्फ आपका स्किल के ऊपर चल जाता है काम, अगर डेवलपर रोल की बात करूं। बट यहाँ पे इन लोगों ने अभी भी वो ही 20 साल 25 साल पुराने क्राइटेरिया अभी भी ये फुलफिल करने की कोशिश कर रहे हैं, इस वजह से BCA वालों को चैलेंजेस आएंगे, MCA वालों को नहीं आएंगे। तो आप यहाँ पर देख सकते हो कि इस मतलब 20 years of experience पे भी अभी तक नंबर पूछे जा रहे हैं, तो मार्क्स इंपॉर्टेंट होते हैं। जो लोग कह रहे हैं कि कॉलेज की नीड नहीं है, ये नहीं है, होगी कॉलेज की नीड,
लेकिन अगर एग्जाम्पल ले लो आपका वर्क एक्सपीरियंस सही हो चुका है तो जाके आपको हो सकता है कि इतनी एक्सपीरियंस की नीड ना हो, लेकिन अभी भी एमसीए के मार्क्स पूछे जा रहे हैं। ओके, सो माय नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि कितना एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर मैक्स टू मैक्स अर्न कर सकता है, मतलब और लाइफ स्पैन क्या है एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर की, कि हम कब एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि हमारी रिटायरमेंट होगी आगे जाके अगर कोई इस फील्ड में आ रहा है, क्योंकि अभी तक मैंने कोई भी एमसीए वाले से नहीं पूछी चीज, लेकिन आप इतने साल का आपको वर्क एक्सपीरियंस है तो यहाँ पर रिटायरमेंट एज क्या है और कितना मैक्स टू मैक्स जा सकता है, क्योंकि अभी अगर आप देखोगे तो बहुत सारे यूट्यूब पे बहुत सारे लोग आ चुके हैं जो कि कह रहे रिमोट जॉब में हमें 80 लाख मिल रहे पर एनम, कई लोग कह रहे 4 करोड़ की जॉब लगी है, कई स्टूडेंट्स ही एमटेक करने के बाद 2-2.5 करोड़ की जॉब लग गई डायरेक्टली ऊपर में, तो यहाँ पर क्या है क्राइटेरिया आपके हिसाब से और आपके वर्क एक्स के हिसाब से? ओके, सैलरी नॉर्मली जो मैं देखा है कि नंबर ऑफ इयर्स मल्टीप्लाइड बाय 2 और 3, तो अगर आपका 5 है आपका तो आपके 15 के आसपास हो सकती है सैलरी, दैट इज कॉमन, वेरी कॉमन। और अगर आपका 20 साल का एक्सपीरियंस है तो आपकी 40 से 60 के बीच में वेरी करेगी, तो ये तो आप एक ट्वाइस या थ्राइस अपने नंबर ऑफ एक्सपीरियंस का सीटीसी लगा लेना। और अगर आप बात करोगे कि ये 80 लाख के पैकेजेस आ रहे हैं या 1 करोड़ के आ रहे हैं, ये बहुत कम है, ये समझ लीजिए मतलब भूसे के ढेर में सुई के बराबर चल रहा है ये वाला, ये बहुत बड़ा काउंट नहीं है। हाँ, बट ये फ्लॉन्ट ऐसे करा जाता है कि हाँ सारी की सारी इंडस्ट्री मतलब 1-1 करोड़ रुपया लेके जा रही है, ऐसा नहीं है। मोस्टली डेवलपर्स जो आज भी स्ट्रगल कर रहे हैं वो शायद 20-30 लाख के बीच में है, जो अपने आप को मतलब बहुत टॉप गन मान रहे हैं। और रही बात इतना लाइफ स्पैन, तो इंडिया में अगर हो तो इसे जितना भी जल्दी हो अपने बैज ये डेवलपर वाला उतार के फेंक देना, मैनेजमेंट में चले जाओ, वहीं पे सर्वाइवल है आपका, चाहे छोटे रोल पे चाहे कम पैसे पे रहना, बट वहां पे आपको थोड़ी सी कमांडिंग पोजीशन मिलेगी जहां पे आपको एक ही बंदे को रिपोर्ट करना पड़ेगा। बट बीइंग अ डेवलपर यू विल बी रिपोर्टिंग टू योर प्रोजेक्ट मैनेजर, योर आर्किटेक्ट, योर क्लाइंट और क्लाइंट का भी क्लाइंट, उसके बाद बीए होगा, कोई बैकएंड वाला होगा, तो 25 लोग आपके सिर पे बैठ जाएंगे आके और बड़ा मुश्किल कर देंगे डेवलपर का रोल फुलफिल करना भी। नॉर्मली यहाँ पे मैं देखा 10 साल तो डेवलपर रहते ही हैं, बट अगर आप फॉरेन में चले जाओ या फिर किसी प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में चले जाओ, वहां पे आप एंजॉय कर सकते हो कि हाँ मैं डेवलपर हूँ और डेवलपर ही रहूंगा, बट इंडिया में मत करो, सर्विस बेस्ड इंडस्ट्री में जितना जल्दी हो निकल जाओ इसको। तो सर इसमें आप एक बार अपना एक्सपीरियंस बता सकते हो कि आप इतने टाइम से किस तरीके से डेवलपर के रोल पे टिके हुए हो एंड मैनेजरियल रोल पे मतलब अब आप जाने की क्यों सोच रहे हो, थोड़ा बहुत इसमें ऐड कर दो। अब जैसे मैंने भी ये देखा कि काम करते करते मेरे को उतना पैसे का जितना भी मेरे को मिलता है मेरे को तो वही ज्यादा लगता है, तो इसलिए पैसे की तो उतनी मेरे को जरूरत नहीं है, जितना मिल जाता है कंपनी से उतना मेरे को ठीक है। बट यहाँ पर थोड़ा सा चैलेंजेस आ जाते हैं जब आपके सामने वो लोग आके बैठ जाते हैं जो इनकम्पिटेंट है, पता नहीं कौन कौन क्या सर्टिफिकेशन करके आ जाता है, दे डोंट नो हाउ टू टॉक। वो लोग जब ये आ जाते हैं तब मेरे को लगता है यार इन लोगों को मैं रिपोर्ट कर रहा हूँ तो मतलब आपको लगता है ये तो सब ह्यूमन है, मतलब वो आदमी भी नहीं है। काफी सारे इंडस्ट्री में मैं ऐसे मैनेजर्स को मिला वो मेरे को आदमी भी नहीं लगे, मतलब फॉरगेट अबाउट मैनेजमेंट और मतलब पीपल मैनेजमेंट, वो तो बहुत बड़ी चीज हो गई। उसके लिए फिर मैं बोला अब मेरा डेवलपर रोल पूरा हो गया, मेरी जर्नी पूरी हो गई, इसीलिए अब मैं थोड़ा सा या तो मैं आर्किटेक्ट रोल में चला जाऊंगा, अब ये डेवलपर रोल मैं नहीं करने वाला इस वजह से सिर्फ, अदरवाइज आई वुड हैव कंटिन्यूड, तक मेरे को नहीं लग रहा था ये चीज। बट लास्ट की 2-3 जॉब किए ना मैंने, स्पेशली सिनेक्रॉन था या यूएसटी ग्लोबल था, तो फिर मेरे को लगा नहीं अब ये 5-6 साल के वो बच्चे आ जाते हैं, वो फिर मैं बोला अब इनका रास्ता मैं रोक रहा हूँ, तो वो भी नहीं है, अब फिर खाली कर दो जगह। ओके, सो माय लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस अमेजिंग पॉडकास्ट इज दैट कि आपकी एडवाइस क्या रहेगी जो भी फ्रेशर स्टूडेंट्स अभी आ रहे हैं जिनको जॉब नहीं मिल रही है, जिनकी एंट्री लेवल जॉब है, वो किस तरीके से कौन सी टेक स्टैक में जा सकते हैं? लाइक जैसे आपने बोला कि आप फ्रंट एंड में गए, तो ऐसी आज की डेट में AI ML काफी राइज में है, जो कि डेटा साइंस की फील्ड में उनकी मैं काफी सारे लोगों की जॉब देख पा रहा हूँ जिनकी 1 लाख पर मंथ इजीली लग रही है स्टार्टिंग में इफ दे हैव गुड स्किल्स। बैकएंड इंजीनियर, एंड्रॉइड इंजीनियर, क्रॉस मोबाइल, जो ऐप डेवलपमेंट जो काफी राइज पे आजकल आप देख पा रहे हो, उसके ऊपर आपका क्या ओपिनियन है कि कौन सी टेक अभी करनी चाहिए स्टूडेंट्स? मेरे को तो लगता है स्टूडेंट को टेक तो छोड़ो, सबसे पहले तो काम कर लेना चाहिए, वो टेक जैसे ही वो सीखे ना फाइवर पे या अपवर्क पे जाके अपना पोर्टफोलियो बनाए और उस प्रोफाइल को ले जाके वो थोड़ा सा कैश बनाने की कोशिश करे कि आपके पास जो स्किल है आप इसको एनकैश कर पा रहे हो,
मार्केट आपको बता देगा आप सही कर रहे हो या नहीं कर रहे हो। हाँ, इसमें 3 महीने लग जाते हैं कई बार पहला कॉन्ट्रैक्ट लेने में, बट आप बीइंग अ स्टूडेंट आप रोज ट्राई करते रहो, रोज एक बिड दो बिड आप ट्राई करो, तो आपको फिर वहां पे काफी सारी चीजें सीखने को मिलेंगी कि इंडस्ट्री में क्या क्या जॉब है, आपको ड्राफ्ट भी कैसे करनी है, एक रिक्वेस्ट पिच कैसे करना है, प्री सेल्स कैसे होती है, तो वो सारा आपको इनसाइट मिलेगा। उसके बाद जाके आप थोड़े से जब पैसे बनेंगे, फिर आप जब मार्केट में जाओगे आप अपने ग्रेजुएशन के बाद, पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद, तब आप एक किसी भी कंपनी को जाके कह सकते हो हाँ मेरा ये प्रोफाइल है, ये मेरा पोर्टफोलियो रहा है मेरा कॉलेज में 3 साल 4 साल 6 साल, तो मैंने इतने पैसे बनाए हैं और मैं इतना डिजर्व करता हूँ। तो ये जो आप CTC की लड़ाई या उनके उन्होंने सेट कर दिया कि हाँ 5 लाख देंगे या 50 लाख देंगे, आपकी स्किल नहीं है उसमें। उसमें गूगल का मन कर रहा है, वो कह रहा है मैं 50 लाख दे रहा हूँ, कल को कहेगा मैं 15 दूंगा, आप क्या कर लोगे, आप पढ़ना बंद करोगे क्या करोगे। बट जब आपके पास कोई स्किल होगी ना, तो वहां पे फिर आप बार्गेनिंग करने की पावर में आ जाओगे। और ये ही काम ये IITian करते हैं, जिस वजह से इनको ज्यादा पैकेज मिलते हैं। सिर्फ ब्रांड वैल्यू की वजह से नहीं होता ये, वो लोग एक्चुअल प्रोजेक्ट्स पे काम करते हैं, लाइव प्रोजेक्ट्स पे काम करते हैं। अगर आप विप्रो की बात करोगे तो IIT के फ्रेशर को और एक नॉर्मल फ्रेशर को वो 3+ ईयर्स का एक्सपीरियंस का वेटेज देते हैं। तो IIT वाला और ऑलवेज वो मतलब सीनियर सॉफ्टवेयर इंजीनियर तो ज्वाइन ही हो रहा है, जहां आप शायद इंटर्न वगैरह बन के जाओगे, तो वहां पे आप इस चीज को गैप को फिल कर सकते हो। ये 3 साल जो है आप 4 साल आप इसको काम करो फ्रीलांसिंग का। बहुत सारी वेबसाइट्स हैं, क्रेगलिस्ट है जिस पे मैं जाता था, क्रेगलिस्ट पे, तो वहां पे US के क्लाइंट्स को मैं क्रेगलिस्ट US का ओपन करके वहां से पिच करता था, तो वहां से मेरे को कॉन्ट्रैक्ट्स मिल जाते थे, वो कई बार वन टाइम ही होते थे। बट जब वो पैसा बनाने की आर्ट आ गई ना, फिर आप कहीं से भी पैसा बनाओगे। और एक क्लाइंट मिल गया वो बार बार पैसे देता है। सो सपोज करो आप पे अपवर्क पे एक क्लाइंट आ गया, उसने आपको हर महीने $300 दे रहा है, आप ठीक है, आपके लिए लग रहा होगा यार 18-20 हजार रुपए ठीक है, बड़ा अमाउंट छोटा अमाउंट है ये आपका अपना पर्सनल मैटर हो सकता है। बट जब आप उसको 3 साल बाद देखोगे, तो आप कहोगे ये मैं 20 हजार रुपए महीने का तो जॉब मैं ऑलरेडी कॉलेज टाइम पे कर रहा था, अब आप मेरे को ये 3.6 और 4.2 वाले पैकेज ना दिखाओ, अब आप मेरे को कुछ बेटर दे दो ऑफर। तो वहां पे आप फिर इस चीज को आगे लेके जा सकते हो, बजाय इसके कि आप ये टेक्निकल टेक स्टैक ठीक है आप कोई भी एक चूज कर लो, एंड्रॉइड डेवलपमेंट बहुत अच्छा है, आपको एक लैपटॉप चाहिए एक मोबाइल चाहिए हो जाओ शुरू हो जाओ, आपको वेब डेवलपमेंट करना है वो बहुत इजी है। बट अगर आपको और बेटर पैसे कमाने हैं iOS पे जाओ, स्विफ्ट सीखो, वहां पे क्लाइंट आपको बेटर मिलेंगे iOS। अगेन वही प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी एंड्रॉइड में जाते हैं, हवाई है या फिर सैमसंग है, मोबाइल एंड्रॉइड के तो काफी सारे हैं मोबाइल डेवलपर्स, तो वो सारे प्रोडक्ट बेस आपको मिल जाएंगे। ये फ्रंट एंड में जाना है आ जाओ, फ्रंट एंड में भी बहुत काम है। और इसमें अपवर्क पे सारा ही काम है या फाइवर पे सारा ही काम है। वो मैं जानता हूँ वो पाकिस्तानी आते हैं वो किसी काम के नहीं है यार, वो थोड़ा बहुत ठीक करते हैं वो, बाकी वो आप उन्हें इजीली बीट कर दोगे पाकिस्तानियों को। किसी चीज की कमी नहीं है, मतलब क्रिएटिविटी की, एसेट्स की या इंफ्रास्ट्रक्चर की, जो चाहिए वो सब आपके पास है ऑलरेडी, आपका लैपटॉप है मोबाइल है, काम शुरू। ओके, तो आई होप यार आज के इस अमेजिंग पॉडकास्ट में आपको पता लग गया होगा एग्जैक्टली इंडस्ट्री किस साइड जा रही है, फ्यूचर ऑफ MCA क्या है, और अभी आपने सर की जर्नी से देख के पता लग गया होगा कि कितने लाइफ स्पैन है एक डेवलपर का, एंड इनकी जर्नी से आपको कुछ सीखने को मिला हो। और इतने कम टाइम में हम इतना ही जान पाएंगे, अगर आपको और जानना है सर से तो यहाँ पर LinkedIn ID में दे दूंगा, उनसे आप टॉपमेट पे भी कनेक्ट कर सकते हो उनकी LinkedIn ID पे जाके। तो अगर आपको यार ये वीडियो अच्छी लगी हो तो डू गिव इट अ लाइक, क्योंकि हम रोड टू 100 के हैं, जल्दी से जल्दी 100 के ले आओ, ताकि हम और भी ज्यादा अमेजिंग लोगों को इनवाइट कर सके और भी कॉन्टेंट और भी जबरदस्त आने वाले आगे आने वाले टाइम में। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच।